अरुण जेटली मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल अब नई मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अरुण जेटली ने केजरीवाल पर कोर्ट में झूठा हलफनामा दायर करने का आरोप लगाया है। जेटली ने इस बाबत हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर केजरीवाल पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के अंदर केजरीवाल से जवाब देने के लिए कहा। दरअसल DDCA विवाद में मानहानि केस की सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी ने अरुण जेटली के लिए कूर्ग शब्द का इस्तेमाल किया था। तब अरुण जेटली ने शब्द पर आपत्ति जताते हुए कहा था, अगर जेठमलानी ने ये शब्द केजरीवाल की मर्जी से प्रयोग किया है तो वो केजरीवाल पर एक और मानहानि केस करेंगे। तब कोर्ट में जेठमलानी ने कहा था कि उन्होंने केजरीवाल की इजाजत से ये शब्द प्रयोग किया है। इसके बाद जेठमलानी ने केजरीवाल पर 10 करोड़ रुपए का एक और मानहानि केस दर्ज किया, लेकिन केजरीवाल ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि उन्होंने जेठमलानी को कूर्ग शब्द इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी थी। कोर्ट में केजरीवाल द्वारा हलफनामा दाखिल किए जाने के बाद राम जेठमलानी केस से पीछे हट गए हैं। वहीं जेटली ने केजरीवाल पर झूठा हलफनामा दायर करने का आरोप लगाया है। यानी साफ है कि केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। बता दें कि पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव में आपकी हार के बाद केजरीवाल राजनीतिक बयानों से दूरी बनाए हुए हैं। केजरीवाल पर इस वक्त लगभग 11 मानहानि केस चल रहे हैं, लेकिन अब सूत्रों से खबर आ रही है कि उसके अनुसार केजरीवाल अपनी पॉलिटिक्स स्टाइल बदलना चाहते हैं और वो इन सभी केसों को माफी मांगकर या किसी दूसरे तरह से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में एक मानहानि केस में केजरीवाल माफी मांग चुके हैं। अब जेटली मानहानि केस का क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।